उपकरम वह अवनि अवितम एवं हयाग्रीव जयंती विधि। सावन महीने की पूर्णिमा के दिन दक्षिण के कुछ हिस्सों में उपकर्मा मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व उड़ीसा के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। इसे तमिल में अवनि अवितम कहते हैं। जिनका पहला उपक्रम होता है उनके लिए ये थलाई अवनि अवितम कहलाता है। अवनि एक तमिल कैलेंडर के महीने का नाम है एवं अवितम 27 नक्षत्र में से एक है। कन्नड़ में जनिवरादा हुनीम एवं उड़ीसा में गमा पूर्णिमा कहते हैं। इसे श्रावणी भी कहा जाता है। यह एक वैदिक अनुष्ठान है जो मुख्य रूप से हिंदुओं की ब्राह्मण जाति के द्वारा मनाया जाता है। इसे कई जगह क्षत्रिय एवं वैश्य लोग भी मानते हैं। उपाकर्म का अर्थ होता है शुरुआत, किसी चीज का आरंभ। यह दिन वेद सीखने के कर्म कांडों की शुरुआत करने का दिन होता है। उपाकर्म साल में एक बार आता है, इस सावन महीने में आता है। तमिल कैलेंडर के अनुसार ये घनिष्ठा नक्षत्र के दिन आता है। हमारे चार वेदों में ब्राह्मण समुदाय अलग अलग तरीके से उसे मानता है, तो ऋग्वेद मानने वाले ब्राह्मण सावन माह की पूर्णिमा के एक दिन पहले मतलब शुक्ल पक्ष के श्रावण नक्षत्र में इसे मनाते हैं। इसे ऋग्वेद उपाकर्मा भी कहते हैं। यजुर्वेद मानने वाले ब्राह्मण इसे सावन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। इसे यजुर्वेद उपाकर्मा कहते हैं। इसके अगले दिन गायत्री जप कर संकल्प लिया जाता है। गायत्री जयंती और मंत्र के बारे में जानने के लिए पढ़ें। सामवेद को मानने वाले ब्राह्मण सावन माह की अमावस्या के दूसरे दिन मतलब भाद्रपद की हक्षता नक्षत्र को इसे मनाते हैं। इसे सामवेद उपाकर्मा कहते हैं। उपाकर्मा को उपनयनम एवं उपनायना भी कहते हैं। सावन महीने में आने वाले उपाकर्मा से ब्राह्मण वेदों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। इसे अगर वे चाहे तो मकरम मलयालम कैलेंडर का महीना के दिन उत्सर्जना रिवाज के हिसाब से बीच में छोड़ सकते हैं, फिर वापस अगले सावन से शुरू कर सकते हैं। इतने बड़े महान वेदों का ज्ञान सिर्फ 6 महीनों में अर्जित नहीं किया जा सकता, तो अब ब्राह्मण मकर में इसे नहीं छोड़ते हैं और साल के 12 महीने वेदों का ज्ञान अर्जित करते हैं। उपाकर्म के दिन ब्राह्मण जो धागा पहनते हैं जिसे जनेऊ जदिहामू जनिवारा कहते हैं उसे बदला जाता है। पुराने जनेऊ को उतारा जाता है, नए को धारण किया जाता है। उपाकर्म का कार्यक्रम किसी पवित्र नदी या कुंड में होता है। इस दिन अपनी पहचान के सभी आदमी रिश्तेदार दोस्तों को बुलाया जाता है। इसके बाद वेद को आरंभ किया जाता है। इसके बाद वे वेद के अर्घदूत नवा कामदा ऋषि की पूजा करते हैं। किसी का अगर उपाकर्म का पहला साल है तो नदी पूजा भी की जाती है। तो जो शादीशुदा नहीं होते एवं जो ब्रह्मचारी होते हैं वे अग्नि कार्य और संहिता दान भी करते हैं। इस दिन का प्रसाद के लिए सतवाड़ा हितु बनता है जिसमें केला अमरूद अंगूर सेब दूध घी तिल गुड़ मेवे व चावल का आटा होता है। ये बूढ़े ऋषि मुनि जिनके दांत नहीं होते वे भी आसानी से खा लेते हैं।
उपाक्रम का मुख्य उद्देश्य है उन ऋषि मुनि और गुरुओं का धन्यवाद करना है जिन्होंने इस वेद के बारे में मानव जाति को ज्ञान दिया और वेद को हम सबके सामने लेकर आए हैं। यजुर्वेद उपाकर्मा विधि। सबसे पहले ऋषि मुनि थर्प नाम को पढ़ते हैं और प्राचीन ऋषियों की आराधना करते हैं। बेचलर ब्राह्मण संकल्प के बाद स्थिमा दान देते हैं और कर्मोकर्षित जाप करते हैं। फिर परिवार के किसी बड़े या पंडित के द्वारा कादा ऋषि थर्प नाम की पूजा होती है। रिवाज के अनुसार सभी आदमी लोग रात को हल्का भोजन करते हैं। अगले दिन नहाने के बाद गायत्री मंत्र का जाप सभी के द्वारा किया जाता है। इसे 108 बार या 1008 बार किया जाता है। इसके बाद भोजन में अपम एवं इडली सभी को परोसी जाती है। नैवेद्य के रूप में होम के लिए हरा चना एवं ढाल सभी को दी जाती है। होम घर में या मंदिर में होता है। सभी के जाने के बाद आरती की जाती है। इस दिन प्रसाद के तौर पर पायसम, वड़ा, चावल, दही पचड़ी, कोसुमली, करी, कुट्टू, छाछ, रसम, सूप, चिप्स सभी को परोसा जाता है। भगवान विष्णु के अवतार हयाग्रीवा ने जिस धरती पर अवतार लिया था उस दिन को हयाग्रीवा जयंती के रूप में मनाते हैं। हयाग्रीवा भगवान विष्णु का एक अद्भुत अवतार है। उनका सर घोड़े का होता है लेकिन धड़ मानव जैसा होता है। असुरों से वेदों को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने यह अवतार लिया था। इसी दिन को ब्राह्मण उपाकर्मा या अवनि अवितम के रूप में मनाते हैं। भगवान विष्णु ने श्रावण माह की पूर्णिमा के दिन घोड़े के रूप में अवतार लिया था। असुरी शक्ति मधु और कैताबा ने वेद को भगवान ब्रह्म से चुरा लिया था। इसे बचाने के लिए विष्णु ने अवतार लिया था। भगवान विष्णु ने जब भगवान ब्रह्मा जी को बनाया था तब उन्होंने उन्हें सारे वेद पुराण का ज्ञान अच्छे से दिया था। जब ब्रह्मा जी को इन सब का अच्छे से ज्ञान हो जाता है तो उन्हें लगता है कि वे ही केवल इकाई है। वे गर्व से भर जाते हैं। उन्हें लगता है सभी अनंत और पवित्र वेदों का ज्ञान केवल उन्हें ही है। जब भगवान विष्णु को ये पता चलता है तो वे कमल के फूल की दो पानी की बूंदों से असुर, मधु और केताबा को जन्म देते हैं। फिर विष्णु उन असुरों को बोलते हैं कि वे जाकर ब्रह्मा से उन वेदों को चुरा लें और कहीं छुपा दें। वेद चोरी हो जाने के बाद ब्रह्मा अपने आप को इसका जिम्मेदार समझते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया की सबसे पवित्र अनमोल चीज को बचा नहीं पाए, जिसके बाद वे भगवान विष्णु से मदद के लिए प्रार्थना करते हैं। भगवान विष्णु हयाग्रीवा या हयावदाना का अवतार लेते हैं और सभी वेदों को बचा लेते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा का गर्व भी नष्ट हो जाता है। इस प्रकार हयाग्रीवा की उत्पत्ति का दिन हयाग्रीवा जयंती और उपकर्म के रूप में मनाया जाता है। जिस तरह वेद को बचाकर भगवान विष्णु ने नई रचना की थी उपाकर्म को भी मनाने का यही उद्देश्य है। नई रचना नया आरंभ। असम के हाजो में हयाग्रीवा माधव मंदिर है जहाँ भगवान हयाग्रीवा की पूजा अर्चना की जाती है।
हयाग्रीवा अवतार को महाभारत एवं पुराण में शांति पर्व के रूप में व्याख्यित किया गया है। यह भगवान विष्णु के कम प्रसिद्ध अवतारों में से एक है। कुछ क्षेत्रों में हयाग्रीवा को वेदों का संरक्षण देवता कहा जाता है।